गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट नहीं अपन जी, गुड नाइट नहीं बाबा, गुड मॉर्निंग है। चल ना आज पिज्जा खाने चलते हैं। तूने कल पिज्जा नहीं खाया था ना? बहुत है और नहीं, चल उठ ली मेरी बच्ची। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग समझ होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समझते हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली व्लॉग में। और टाइम अभी 8 बज गया है और मेरे ये ना दोनों बच्चे कहाँ आ रहा, अभी टूट गया था, और मेरे दोनों बच्चे अभी सोने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो। और दादी उठ गई है और उनके पापा भी अभी सो ही रखे हैं। तो दोस्तों अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से, हाँ थोड़ी देर में। वो कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मेरे दोनों बच्चे उठ नहीं रहे, थे गंदे हैं ये बच्चे मेरे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। और आन्या का हाथ देखो, आन्या पता है मुझे सब कुछ, ये अपने भाई की कितनी चिंता करती है ये। उठ जा बाबू, उठ जाओ। यहाँ आके सोने की कोशिश कर रहा है और दोनों के दोनों सेम पोजीशन में सोए हैं, लेट रहे एक जैसी पोजीशन है। ये पापा भाई को मारेगा, पापा को ऐसे किक, ये ना बजरंग बली हवा में नहीं उड़ते, एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे, और सेम पोजीशन आरब की भी वही है। अरे तूने कान भैया के कान के कान पे क्या फुसफुसाया? उठ जाओ। अच्छा क्या फुसफुसाया फिर आरब है? दोस्तों आरब को लग रहा है कि मैंने ना आरब की ना मुछे बनाई है, और आरब कैसे चेक कर, आरब दिखाना जरा कहाँ मैंने इसकी मुछे बनाई, बिल्कुल भी नहीं। आरब ऐसे करके देख रहा है आपने मुछे, बोला आपने बनाई है मेरी मुछे, दिख रहा है कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं ऐसे, ऐसे नहीं। आने ने फुसफुसाया होगा भैया के कान में, भैया मम्मी ने तो आपकी मुछे बना दी। हाँ ऐसे बोला ना, इतनी गंदी है ये। कल पिज्जा खाया था ना, तेरा मुंह पहले से लगी है। भैया मैं जा देख क्या, वो भैया देख क्या, जब देख क्या तो तेरा पिज्जा ना क्या, तेरा मुंह पर खराब देख के तो आओ कैसे लग रहा है, अगर देख ले तो फिर ले जाना, समझेंगे तो मान जाएगा। देखो दोस्तों मेरा मुच्छी वाला बेबी कितना प्यारा लग रहा है, आ रहे दादी, आ रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। और आने ने भैया के कान में पहले ही बता दिया कि मम्मी ने आपकी मुच्छी बना दी, और जो मैंने प्रैंक किया था वो ऐसे ही रह गया। और उसके बाद आने ने पता नहीं उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया, दोनों के बीच हो गई सुबह। मैंने चिल्लाया नहीं, क्या बोला आपने? मैंने बोला तो कि शीशे में देख के अपनी मुछे। अच्छा, और इसी बात में दोनों के बीच में हो गई है लड़ाई। अब सबसे पहले फिर भाई ने मुझे मारा, और फिर ना इन दोनों की ना गंदी आदत है, दोनों हाथ चलाते हैं एक दूसरे पे, और सबसे पहले भाई शुरू करता है मारना। अरे अभी देख रहा कौन सी मूवी है ये कल की मूवी जो कल लग गई थी, क्या नाम है, शाहिद कपूर की, करीना कपूर, राजपाल यादव, और ये क्या है, हम तो अपना चैनल लगाते देखते हैं तभी ये पता नहीं कैसे करके लग जाती है, चैनल ऐसे देखते तभी लग जाती है। जैसे अपनी वीडियो देखेगी उसके बाद तुरंत से दूसरा मूवी आ जाएगी, क्योंकि पापा उसमें मूवी ज़्यादा देखते हैं इसलिए। वैसे मूवी तो है तीन तीन मिनट में ख़त्म होने वाली है, 21 मिनट्स की है। मेरा आरब कितना सुंदर लग रहा है,
तो दोस्तों ना अब मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में हम दूध बिस्किटी लेंगे और उसके बाद बनाऊंगी मैं चिकन। हाँ वो ऐसा नहीं, वो राजपाल यादव की बेस्ट कॉमेडी दिखा रहे हैं उसमें, और मैं करती हूँ अभी नाश्ते की तैयारी और फिर बनाएंगे हम चिकन। दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर। और यहाँ पे अभी तीनों बैठे हैं नीचे, कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। आरा मान्या नहा गए हैं, अभी रावत जी नहाए नहीं हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। और पीटने के लिए रखा है उन्होंने हनुमान जी का गधा। पीटने के लिए वो खाली अरे पापा हमें पीटेंगे, तो आरव ने ना अपने पापा को ये डंडी दे दे दो ये वाला रखने, पापा बोल पीटना ही है ना तो इससे पीटो। चल ना अब उधर चल, अब आपने डंडी को भी दे दिया पापा को अच्छे से, और अब मैं बना लेती हूँ चिकन। दोस्तों मेरा चिकन बन गया है और सब नहा भी गए हैं, मैं नहीं नहाई। मेरे घर में ना धनिया पत्ती भी नहीं है, शाम को जाऊंगी मैं मंडी फिर लेके आऊंगी धनिया पत्ती, और मैं नहीं नहाई। मैं सोच रही हूँ ना खाना खा के ही नहाऊँ, तो गैस कर दिया मैंने बंद, और अब हम खाते हैं खाना। मैं नहा गई हूँ और दादी भी खाना खा के आराम कर रहे हैं, और रावत जी भी दोनों सो गए हैं खाना खा के, और आराम आने बैठी हूँ लैपटॉप पे, पता नहीं कौन सा कार्टून देखूँगी। कौन सा देख, कार्टून नहीं सुपरस्टार बॉस, सुपरस्टार बॉस, सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा सुपर स्ट्राइकर्स देख रहे हैं, और मैं भी ना थोड़ी देर अभी सो जाती हूँ, आदत हो गई ना इतने में थोड़ी देर सोने की, वैसे लगता है कि कुछ काम अभी हमारा बाकी है, मेरा कुछ काम मेरा बाकी है, तो खाना खा लिया, कपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, किचन की सफाई कर दी है, नहा भी गई हूँ, तो अब मैं सो जाती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं ये लैपटॉप पे, तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों को ना 4-5-6 बजे के आसपास। तो दोस्तों टाइम ना 6 बज गया है, और मेरा मैंने चाय पानी भी हम लोगों ने पी लिया था, बच्चों को मैंने दिया था बटर मिल्क मीठा वाला वही, और दादी के लिए और मेरे बनाई थी मैंने कॉफ़ी, और उसके बाद किए मैंने कपड़े परेस, और अब जा रही हूँ मैं मंडी। तो आप लोग भी चल रहे हो हमारे साथ मंडी? चलो मैं आपको नहीं थी मंडी नहीं लगती यहाँ पर, 2-3 जगह पर वो बैठते हैं सब्जी वाले ना, और जो बड़ी मंडी है वो तो दूर है और वो संडे को रहती है बंद। तो अभी जाते हैं मैं और रावत जी और लेके आते हैं सब्जी, और आने आज एक गाना गा रही है। अनु इधर आना बेटा, कौन सा गाना गा रही हो? आने गाना गा रही है, हाँ आप लोगों को भी सुनाएंगे। उसका ब्रदर यहाँ गया है। अरे भैया क्या करने गए हो आप? छुपने गया था, इसके कपड़े ना पूरे घर पर पहुँचा कर देते हैं, गंदा बच्चा। आने गाना सुना रही, कौन सा गाना अनु? इश्क है प्यार। आगे आगे नहीं आता, आगे नहीं आता। आने बड़े सुर के साथ में गाना गा रही थी, अभी तो मैंने उसको बोल दिया ना कि आना गाना गाना, थोड़ा वो केसरिया तेरा इश्क है प्यार। अच्छा ऐसे गाना गा रही थी। तो दोस्तों हम जाते हैं सब्जी लेने, दादी गई है वॉक करने, और तब तक रहेंगे आराम आने घर पे। यूँ गए और यूँ आए, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो जाते ऐसे हैं। चलो आप लोग चलो दिखाती हूँ मैं यहाँ पे ना क्या क्या सब्जी है। दोस्तों हम सब्जी लेने जा रहे हैं और ये दोनों लड़ेंगे घर पे अकेले, इनके लिए मैंने ना यहाँ पे गेम खेलने के लिए किया है, यहाँ पे कटोरियाँ रखी हैं मैंने 6, और उसमें ये तब तक गेम खेलते रहेंगे दोनों के दोनों अपना, नहीं तो नहीं तो ये दोनों ना बहुत लड़ते हैं। दादी भी आने वाली होगी वैसे, तो तब तक दोनों गेम भी खेल लेंगे अपना। होली की कलर, हाँ हाँ जो कलर लेने आपको, होली के कलर है नहीं, मैं आपको कलर, मैं इनको कलर दे देती हूँ, और मैंने इनको गेम बताया कि आप लोगों ने कैसे कैसे गेम खेलना है, ठीक है मैं लेकर आऊंगी, खेल लेंगे, थोड़ा बिजी रहेंगे। नहीं तो ये दोनों ना या तो मोबाइल पर बैठेंगे, मोबाइल पर बैठने से अच्छा है कि दोनों गेम खेलें, तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने ना दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया था वॉल पे, मेरी वॉल पे ना कलर लगा हुआ था पिंक, निकल नहीं रहा था, तो मैंने ना इस पर टूथपेस्ट लगाया और ऐसे ही पानी से ऐसे ऐसे से उसको घिसा, तो मेरी वॉल एकदम क्लीन हो गई है। और इधर की साइड अभी मैंने किया नहीं सफाई,
लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ना वो बहुत अच्छा था, ये मुझे बताया था मेरी फ्रेंड कोमल ने कि कभी वॉल गंदी हो जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाना और उसको, उसने तो बोला था ब्रश से घिसना, लेकिन मैंने ब्रश से नहीं घिसा, मैंने तो ऐसे ऐसे पानी लगाया और ऐसे घिसा, तो इतने में ही वो क्लीन हो गया था, पूरा जो जमा हुआ मैल भी था ना वो भी निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ना वो क्या नाम है धूल वगैरह बहुत आती है, इसलिए वॉल पूरी गंदी हो गई थी मेरी। और बच्चों ने यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा होली के दिन की पूरा रेड कलर का कलर किया था और उसके बाद उसमें वो इधर उधर दीवार पे जा रहा था, तो वैसे साफ़ हो गया था लेकिन क्या था कि वो अपना निशान छोड़ के गया था कलर, लेकिन वो टूथपेस्ट से क्लीन हो गया है एकदम। आप लोग भी करके देखना एक बार ऐसे, अगर आप लोगों की वॉल पे कभी ऐसी गंदी हो जाए तो। रावत जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं उनके लिए पानी, और हर बाउल में ना हर बाउल में आप अलग अलग कलर डालो, डार्क डार्क, तीनों ने अपनी मुंडी वहीं डाल रखी है। कौन सा कलर है? लाल। और उससे पहले भी ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे, रावत जी पढ़ा रहे थे उनको, क्योंकि कल आरब का है साइंस का पेपर और आन्या का है ईवीएस का पेपर। मैं तो चैप्टर खत्म भी होने वाला है, बस एक चैप्टर बाकी है। ओ आन्या का भी एक चैप्टर बाकी है रीड करने के लिए। मैं इनको बोलती हूँ ना कि चैप्टर रीड करो, चैप्टर समझ में आना चाहिए, बाकी तो बच्चा कर लेते अपने आप ही, और चैप्टर समझ में ना आए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आन्या और पानी लेके आओ बेटू, पापा रुको इसमें डालो इसमें कम है। आन्या आप पानी लेके आ जाओ, और चलो दोस्तों चलते हैं सब्जी लेने। देखो उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं होती, दीदी भी आ गई है इधर से। चलो हमें सब्जी लेकर ना है सिटी स्क्वायर मार्ट पहुंच गए हैं हम, मंडी तो नहीं बोल सकते इनको, बस दो तीन ही बैठते हैं यहाँ पे सब्जी वाले, बस 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 यहीं पे। मुझे चाहिए थी डूंगरी, डूंगरी इतना ही बचा हुआ है, मुझे 5 kg। 5 kg ले लो, मैं लेके आया। कैसे दे रहे हो? 50 का 2.5 kg। अच्छी लेके आना भैया, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, आप कहाँ से लेके आ रहे हो? रिंग की टमाटर ले रही है, टमाटर टमाटर बढ़िया बढ़िया। अभी ये पॉलिथीन बंद नहीं हुआ है यहाँ पे, कह तो रहते कि होली के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन देखो ये पॉलिथीन अभी भी यूज हो रहा है। और मटर और क्या लेते हैं देखते हैं, मटर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है, करेला लेते हैं। अदरक और क्या ले रहे हैं, तय करते हैं। लो भाई इसका 500 कितना दो? 5 kg प्याज, 5 kg प्याज, 90 रुपए। हाँ 500 पापड़ी वाला। 3 kg मटर, 90, 180 हो गया, 220, 250, और ये 30, 270 आपका, बस यही है। हाँ टमाटर, एक चीज़ अच्छा है मार्केट में, अब सबके पास गूगल पे हो गया, सब गूगल पे वाले हैं, पेमेंट करो गूगल पे, कैश कैशलेस मार्केट, तरबूज लेंगे अब तरबूज। एक बार देखा था मैसाणा में, बड़ 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 तो हम 11 तरबूज थे। हाँ तब हम वो लेके आते थे ना, तो उस समय हम ज़्यादा ले आते थे।
हाँ वापस दे जाएंगे कटा हुआ। दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर पे और ना अब मैं बनाती हूँ खाना। तो मैं ना आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आनू बाय टाटा बाय बाय।